वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले युवाओं का कोरोना टीकाकरण चल रहा है। ऐसे में कोरोना टीकाकरण के बाद कोई भी व्यक्ति लगभग 2 माह तक रक्तदान नहीं कर सकता है। ऐसे में टीकाकरण के दोनों डोज की औसत अवधि 3 माह हो जाती है, जिसमें रक्तदान नहीं किया जा सकेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प सेवा भारती द्वारा शुक्रवार के दिन बागली के ग्राम देहरिया साहू में एमजी अस्पताल देवास की टीम की मौजूदगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 7 गांव के 50 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। सेवा भारती द्वारा 15 दिन के अंदर यह दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। शिविर अभी क्यों किया गया? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जो प्रकल्प है सेवा भारती, उसके माध्यम से समय समय पर देश भर में इस प्रकार के सेवा कार्य करता रहता है और उसी उपलक्ष्य में यह रक्तदान शिविर आयोजित है। इस कोविड के समय ही क्यों किया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जैसे वैक्सीनेशन, एक बार किसी व्यक्ति को टीका लग जाता है तो वह 3 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के जो युवा साथी है उनका टीकाकरण होने के पहले अस्पतालों में रक्त की कमी न हो, इस उद्देश्य से यह रक्तदान अभी आयोजित किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।